तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की है, जहां देर रात से बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के कारण हरिद्वार की कोटा वाली नदी में यात्रियों से भरी एक बस फंस गई। मिली जानकारी के मुताबिक हरिद्वार बिजनौर जिले के बॉर्डर पर कोटा वाली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इस कारण नेपाल से देहरादून जा रही बस कोटा वाली नदी में फंस गई। बस के नदी में फंसने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर हरिद्वार की श्यामपुर थाना पुलिस पहुंची। रस्सी के सहारे सभी यात्रियों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल नदी का बहाव तेज होने के कारण बस अभी भी नदी में फंसी हुई है। सभी यात्री सकुशल रेस्क्यू कर लिए गए। हरिद्वार के श्यामपुर थाना इंचार्ज विनोद थपलियाल ने बताया कि बस फंसे होने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। सभी यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। बस में 53 लोग मौजूद थे। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम भी पुलिस के साथ मौजूद रही। साथ ही विनोद थपलियाल ने बताया कि जैसे ही जलस्तर कम होगा तुरंत बस को भी नदी से बाहर निकाल लिया जाएगा। गुरुवार देर रात से हरिद्वार में हो रही बारिश के कारण शहर में जगह जगह जलभराव देखने को मिला। हरिद्वार का दिल कहे जाने वाले रानीपुर मोड़ पर भी जलभराव के कारण काफी समय ट्रैफिक बाधित रहा। इसी के साथ ज्वालापुर मार्केट और हरिद्वार की मोती बाजार मार्केट में भी लगातार हो रही बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट रायशुमारी।